नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित राजगुरु शर्मा आप सभी का एक बार फिर से हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल में दिल की गहराइयों से अभिनंदन है। हमारा आज का टॉपिक है कि 2019 में करवा चौथ कब मनाई जा रही है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यदि आपने अभी तक हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई ज्ञानवर्धक ऑडियो वीडियो समय समय पर देखने के लिए मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको 2019 की करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं ताकि आपका व्रत बहुत ही खुशी के साथ मने और बहुत ही प्यार के साथ मने। तो दोस्तों, करवा चौथ का जो व्रत मनाया जा रहा है वो 17 अक्टूबर 2019 में मनाया जा रहा है। कार्तिक के महीने में कृष्ण पक्ष और चतुर्थी को तिथि को ही मनाया जाएगा। ये व्रत सूर्य से लेकर रात के चंद्रमा तक निर्जला मनाया जाता है। इसमें सुहागन स्त्रियां इस व्रत को मनाती हैं, लेकिन आजकल कुंवारियां लड़की भी इस व्रत को मनाती हैं ताकि उनको अच्छा वर मिल सके, अच्छा पति मिल सके। तो इसमें स्त्रियां जो होती हैं सुहागन, वो 16 श्रृंगार करती हैं और अपने व्रत को सूर्य से लेकर रात के चंद्रमा तक पूरा करती हैं। इसमें इस व्रत को पति की लंबी आयु के लिए मनाया जाता है ताकि पति की आयु हमेशा लंबी रहे और हमेशा स्त्रियाँ सुहागन रहें। दोस्तों, जब रात को चंद्रमा निकल आता है तो चल्ली से दर्शन करने के बाद चंद्रमा के, तब ये व्रत पूरा होता है। उसके बाद पति के दर्शन किए जाते हैं चल्ली से, और जब पति अपनी पत्नी को जल से इस व्रत को खुलवाता है उसके बाद जो घर में अच्छे भोजन बनाए जाते हैं उनके द्वारा अपने पति को खाना खिलाकर भोजन खिलाकर इस व्रत को पूरा किया जाता है। लेकिन ये व्रत पंजाब में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा मनाया जाता है, लेकिन इसी के साथ साथ अब कई प्रांतों में भी इसकी बहुत ज़्यादा मनाते हुए देखा जाता है और बहुत ज़्यादा इसकी बढ़ोतरी हो रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जितना हो सके, जब एक स्त्री अपने पति के लिए इस व्रत को कर सकती है लंबी आयु के लिए, लेकिन एक पति का भी फर्ज बनता है कि वो भी अपनी पत्नी की लंबी आयु के लिए इस व्रत को करे। तो मैं चाहता हूँ, ये मेरा विचार है कि इस व्रत को जितना हो सके पति पत्नी दोनों ही इस व्रत को करें तो इसमें और गहरा प्यार होगा, दोनों की लंबी आयु होगी, जब तक जिएंगे एक साथ जिए, यही हम दुआ करते हैं। इसमें एक फायदा हो रहा है, जिसकी पत्नी कमज़ोर है, जो उससे व्रत पूरा नहीं हो पाता है तो वो दोपहर तक कर लेगी और पति उसके बाद रात तक उसे पूरा कर सकता है, ऐसा भी व्रत मनाया जा सकता है। दूसरी दिक्कत यह है कि जिसकी पत्नी गर्भवती है, गर्भ से है, तो उन पे व्रत करने में दिक्कतें आती हैं, परेशानी होती हैं, तो ऐसे पति तो अपनी पत्नी का जरूर साथ दें। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपका व्रत शुभ हो, सफल हो और सुख शांति के साथ मने। इसी के साथ मैं पंडित राजू शर्मा आप सभी को आशीर्वाद देते हुए करता है नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।